मूवी में दम नहीं था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दम नहीं है लेकिन क्या है कि हम लोग देखा तो थोड़ा अच्छा लगा। मूवी में कुछ खास दम नहीं है जैसा स्टोरी में दिखाया गया। आज हम लेकर आए हैं शुभ मंगल ज्यादा सावधान का रिव्यू। इस मूवी का लोगों में बहुत ज़्यादा दिन से चर्चा था और लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार भी था। इस मूवी को आरएस प्रसन्न ने निर्देशन किया है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, नीता गुप्ता और राजेंद्र प्रसाद मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और राजेंद्र कुमार की लव स्टोरी को दिखाया गया है। ये दो लड़कों की लव स्टोरी है जिसको इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आइए जानते हैं लोगों की इस मूवी के लिए क्या राय है। मूवी अच्छी है, फैमिली के लिए मूवी है, दो लड़कों का लव स्टोरी है इसमें। आयुष्मान खुराना की अच्छी स्टोरी है, उसमें अच्छा रोल किए हैं, अच्छे किरदार है उनका, अच्छी लगी। हाँ, 5 स्टार तक तो चलिए जाना चाहिए। पिक्चर अच्छी है, कॉमेडी है, फैमिली वाली है और बहुत खास भी स्टोरी नहीं है लेकिन फैमिली के साथ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आयुष्मान खुराना की नंबर एक एक्टिंग रहती है, वो अभी आज भी है इसमें भी है। पिक्चर बहुत अच्छी है, 4 स्टार देंगे। हम आनंद कुमार शर्मा है, ठीक है, बाई क्वालिफिकेशन इंजीनियर हूँ मैं वैसे। और मूवी मैंने अभी देखा, बहुत ही अच्छा उसका रिव्यू था, लेकिन मूवी में दम नहीं था। इसलिए दम नहीं था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का वहाँ पे कॉमेडी अच्छा लगा था, वो आयुष्मान खुराना, क्योंकि वो एक अच्छा एक्टर है और ऊपर से कॉमेडी भी अच्छा करता है, इसके चलते वो मूवी चली गई। लेकिन मूवी में दम नहीं है, 3 स्टार देंगे मैम। ऋषभ गुप्ता मेरा नाम है, ठीक है। शुभ मंगल सावधान है, उसमें मूवी में तो दम नहीं है लेकिन क्या है कि हम लोग देखा तो थोड़ा अच्छा लगा, कॉमेडी वगैरह बहुत अच्छा था लेकिन क्या है मूवी में दम तो है नहीं, ठीक है। अगर हम इसको स्टार अगर देना चाहते हैं तो समथिंग 3 स्टार दे सकते हैं इसको। शुभ मंगल सावधान जो मूवी है वो बहुत ही कॉमेडी है, उसमें जो आयुष्मान का रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मूवी में कुछ खास दम नहीं है जैसा स्टोरी में दिखाया गया। स्टोरी उसका कुछ खास नहीं है लेकिन मूवी बहुत सही है। इसमें मैं 3 स्टार दे सकता हूँ, 5 में आउट ऑफ 5। आज हमने इस मूवी का रिव्यू लिया है। इस मूवी में आयुष्मान खुराना एक अकेले एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। लोगों के रिएक्शन के अनुसार इस मूवी में कुछ खास स्टोरी नहीं है। इस मूवी में आयुष्मान खुराना अकेले लोगों को हंसाते नजर आ रहे हैं। श्वेता तिवारी, न्यूज़ बकेट, बनारस।